हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर रिएक्ट करने वाला हूं मैं क्रिक कॉमेडी 65 पर पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट। काफ़ी कुछ हुआ था पिच को लेकर आई थिंक, तो पाक वर्सेस इंडिया ये क्या सीन है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका चल रहा था तो वो इसके अंदर की कॉमेडी देखेंगे हम, सूरत हाल इन सारी चीज़ों का, CBA अरसलान की जुबानी। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट द वीडियो। लो भाई दोस्तों, पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उन लोगों जिन्होंने ये पिच बनाई। क्या खूबसूरत पिच बनाई। नॉर्मली जो है वो तीसरे दिन के अंदर पिच जो थोड़ी टूटना छूटना शुरू हो जाती है, इसके अंदर स्पिन मेन टर्न इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल ईद के बाद जो है वो इस पिच के अंदर थोड़ा बहुत टर्न और इस किस्म की चीज़ें बॉलर्स के लिए जो करामत साबित होती हैं वो देखने को मिली। पाकिस्तान का प्लान ये है कि 24 साल ऑस्ट्रेलिया वेट करता रहा यहाँ पे आने के लिए, अब वो यहाँ से आने के बाद मेरे ख्याल नेक्स्ट 24 साल के बाद ही आए, तब जो है वो पिच घूमना शुरू हो जाएगी। क्या सुना है कि मोहम्मद आमिर जो है वो भी ये कह रहे हैं कि इसके अंदर बॉलर्स को खिलाने की जरूरत ही कोई नहीं थी, सिर्फ बैट्समैन को ही कह रहे थे कि आपस में ही खेलते रहो। बिल्कुल सही बात है। उधर मेरा ख्याल में हफीज ने भी इस किस्म की बात की है कि बहुत ही कोई डेड किस्म की पिच है। स्मिथ ने भी शायद यही कह दिया कि डेड किस्म की पिच है, पता नहीं और कितने लोगों ने बताना है कि डेड पिच है। इस पिच के लिए हमें नमाज जनाजा पढ़ लेनी चाहिए भाई, टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, यही तो थोड़े बहुत पॉइंट्स जो हमें मिलने थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के, वरना हमने कभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर कप करने के, तो हमारे जो लेजेंड जितने बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उन्होंने कभी जाकर ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं किए, तो पता नहीं कौन करेगा इस ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ कुछ। यार ये पॉइंट्स दो चार पॉइंट्स है, इसी से हमारा चांस बन जाएगा टेस्ट चैंपियनशिप। खैर पिंडी में स्पाइडरमैन भी आए तो वो भी थोड़ी सी जो है वो दिल पर दास्ता लग रहे हैं, लेकिन स्पाइडरमैन तो फिर वो उसका मेरे ख्याल में पैसे पूरे हो गए, वो सिर्फ बाबर की कवर ड्राइव देखने के लिए आए थे। खैर दफा करो पिच को यार, मेरा जो चीता है मेरा दोस्त इन्नी दो सेंचुरियां मार चुका है दो इनिंग के अंदर में, तो जो जो लोग उसको पर्ची कहा करते थे ना उसके मुंह के ऊपर यह बड़ा पर्चा मारा है मेरे इम्मी ने। ये और बात है कि इम्मी को जो है वो मेरे ख्याल में दो एक चांसेस भी मिले थे, क्लियर निक थी लेकिन उन्होंने अपील ही नहीं की, ये जो है ना रिव्यू ही नहीं लिया उन्होंने, बेसिकली अपील तो की थी उन्होंने। और यही होता है जब आप नई जगह पर आए हुए होते ना, तो वहां पर आके आपको मौसम ये वो अजीब खुराक और पता नहीं हवा शवा इस तरह चीजें लगती तो आपके दिमाग के ऊपर असर करना शुरू हो जाती है। यही अगर ऑस्ट्रेलिया में तो हो ही नहीं सकता था, इन्होंने कभी ये रिव्यू नहीं लेते, लेकिन रिव्यू लेना तो मेरा ख्याल में आजकल गली में जो क्रिकेट खेल रहे थे उनको भी पता होता है कि यार आउट था कि नहीं था, इतने क्लोज कॉल्स थी लेकिन उन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया, ये होता है प्रेशर होम ग्राउंड का। वो तो खुशी हो रही है कि अब्दुल्ला शफीक भी जो है बड़ा बेहतरीन का बैट्समैन बन के बाहर आ रहा है, पहले मैच में भी उसको डिजर्विंग 50 थी लेकिन नहीं मिल सकी, दूसरे मैच के अंदर भाई ने जो है वो एक सेंचुरी भी मार दी है यार, उसकी मेडिंग सेंचुरी होगी। मुझे बड़े जबरदस्त क्लास नजर आई थी PSL के मैचेस में, मैंने देखा था इसी कुछ इनिंग्स थी जिसके अंदर कुछ शॉट्स थी जो कि बहुत ही कमाल थी, तो आई एम रियली हैप्पी। हमारे भी ये दिन आ गए कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम ओपन किससे करें, हमारे पास इतनी ओपनर्स की चॉइस होगी बताइए क्या और क्या है यार। खैर हमें तो बहुत खुश होते हैं पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त उनकी बैटिंग किया, ये 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो रही है, पता नहीं क्या 300 रन के ऊपर दो आउट है, इसके की चीजें जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आए तो पता चला कि हमने तो स्लो बैटिंग की, ये तो हमें मेरे ख्याल में 7-100 रन बनाने चाहिए थे। चलो फिर भी जो भी हो सॉलिड परफॉर्मेंस हमने दी है, और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बेहतर क्रिकेट हम ही ने खेली थी, तो यही ये अगर पिच में थोड़ा कुछ होता बॉलर्स के लिए तो हमारे ज्यादा चांसेस भी थे जीतने के, अगर होम कंडीशन पर नहीं जीतेंगे तो और कब जीतेंगे यार। पता ही नुमान अली को कौन सा तमगा मिलना चाहिए कि उसने 5-6 विकेट ले लिए इस पिच के ऊपर, क्योंकि ये जो है ना ये कोई ये मुजजा ही है, ऐसे बॉलर्स को जो है हमें संभाल के रखना चाहिए जो इन पिचेस के ऊपर भी आउट करते रहते हैं। हमारे वैसे बहुत से ऐसे लेजेंडरी बॉलर्स भी रहे हैं बेचारे जो इन्हीं पिचेस के ऊपर आके उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और फास्ट बॉलिंग में भी अपना नाम कमाया है। खैर वो लंबू चश्ने जो है वो और उस्मान ख्वाजी जो है दोनों 90 के अंदर आउट हुए, ये तुमने अच्छा नहीं किया बल्कि बहुत अच्छा किया, इसी तरह प्यासे को कुएं के पास ला के मारा करो, इसका मजा ही और होता है। खैर ख्वाजा जो है वापस पिंडी में आ गए, देखो पिंडी बॉय जो होता है ना वो कहीं ना कहीं पिंडी से एसोसिएटेड रहता है, ये उसी की बरकतें हैं जिसकी वजह से ये टूर हो रहा है। तो मेरे हमें ये उसने एक पिक्चर भी शेयर की थी 1992 में जब वो इस्लामाबाद में खेल रहे थे, उस वक्त इस्लामाबाद नहीं होता तो वो पिंडी होता था, एवरीथिंग वाज ओनली पिंडी। और ये कुछ पोस्टर भी है जिसका लोग उसको कह रहे हैं कि ख्वाजे फील एट होम, भाई वो पिंडी बॉय है वो जिधर भी जाएगा वो फील एट होम ही फील करता है। टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा कि वार्नर के अंदर का भी जो टिकटॉकर था वो भी जिंदा हो गया, उसने खूब नाचे नाच पेश किए मेरे दोस्त, मैं कहता हूं नाचो खूब नाचो लेकिन हार जाओ। ये भाई मेरी वीडियो से कोई इंस्पिरेशन हो गया, अगर आप लोग पोस्टर बनाते हैं तो यार कम से कम जो है नीचे CBRB का हैशटैग ही लिख दिया करें। ये वहाँ पे भी देखा गया कि लोगों को लंबू चन्ने जो है इसके नाम के साथ बड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, बहुत से पोस्टर इस किस्म के नजर आए। खैर और खुशी की बात यह कि अजहर अली भी जो हमारा दोस्त है उसने भी सेंचुरी मार दी है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो कम से कम और बैट्समैन है जो कि PSL में नहीं हम देख रहे थे उनको खेलते हुए उनके अंदर भी फॉर्म वापस आना शुरू होगी, ये बहुत जरूरी है कि कम से कम होम ग्राउंड्स के अंदर इन क्रिकेटर्स की फॉर्म वापस आए। वैसे आपस की बात है कि हमने जो मैच में डिक्लेरेशन भी की थी, मैं उस वक्त लाइव मैच तो नहीं देख रहा था लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रही है बड़ी फुसफुसी किस्म की डिक्लेरेशन थी। एक तो आपने मेरे ख्याल में लास्ट जो 10 ओवर से उनके अंदर डिक्लेयर करने से पहले कोई 41 रन बनाए थे, दूसरी बात जो है वो आपने डिक्लेयर भी ऐसे किया कि उसके बाद सिर्फ एक ही ओवर खेलना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को, यार ये कुछ समझ नहीं आई, एक ओवर के लिए क्यों उनको बुलाया, ये भी तुम लोग ही खेल लेते, फिर ऑस्ट्रेलियंस भी तंग हो गए होंगे कि यार अभी जाकर जो है दोबारा वो अपने पैड शैड और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें पहनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा एक ओवर के लिए। खैर चलो फिर भी जो भी हो अच्छा हुआ कि कुछ सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस तो दी है हम, बिल्कुल ही जो है लेट नहीं गए, टीम ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसके ऊपर मैं बहुत ही खुश हूँ और कम से कम इज्जत हमारी
बच गई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरे पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो विमेन टीम जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर एक दूसरे के मतलब मुकाबले लड़ रही थी और बड़ा कोई जी ट्रेंड हो रहा था पाकिस्तान वर्सेज इंडिया और इस सारी चीज़ें हो रही थी, बड़ी हाइप हुई थी। उसके अंदर भी पाकिस्तानी जो खवातीन हमारी जो बहनें हैं उन्होंने अपनी रवायत बरकरार करते हुए बिल्कुल ही लेट गई हैं, पूरी तरह से वन-साइडेड मैच हुआ, क्या स्थिति हुई हमारे साथ। मैं पता नहीं कोई स्टैट्स पढ़ रहा था जिसके अंदर पता चला कि हमने कोई 11 ODIs खेले हैं हमारी खवातीन हमारी बहनों ने इंडियन बहनों के खिलाफ और 11 की 11 हारी हैं। वेल डन। अब मुझे पता है कि हम तो खवातीन की कभी बुराई कर ही नहीं सकते ना, आप हमेशा उनको सपोर्ट ही करना है और वो सब चीज़ें करना है क्योंकि फेमिनिस्ट आपके पीछे पड़ जाती है, सब लोग ही डरना शुरू हो गए तो भाई वो खवातीन खवातीन के खिलाफ ही खेल रही ना, कौन से मर्दों के साथ मैच होने जिसके अंदर हम कह गया कोई नहीं, आप मर्दों के खिलाफ खेल के भी रिस्पेक्ट आपने जीत ली, भाई वो भी औरतें हैं जो उधर से खेल रही हैं, उनकी औरतें क्या बेहतर है आपसे, आप क्रिकेट खेल लेंगे क्रिकेट खेलें। खैर बाद में वही हुआ कि बस वो हंसी खुशी की क्रिकेट की जीत होगी, क्रिकेट की जीत होगी। मेरे ख्याल में हमारी कप्तान जो है उनकी बेटी भी गई हुई थी तो उनके साथ इंडियंस ने बहुत पोज वोज की, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा था, लेकिन वही बात होती है ना क्लास में जो पोजीशन होल्डर होते हैं वो जा रहे होते हैं ऊपर जाकर मेडल ले रहे होते हैं और हम पीछे से खड़े जो है वो तालियां बजा रहे होते हैं, बस हम इसी बात पर खुश हो जाएंगे कि जी वेल डन क्रिकेट क्या जीत हो गई है अपनी। सुना कि हमारी बहनों ने 7 ओवर के अंदर कोई 8 रन बनाए थे, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसी टेम्परमेंट के साथ जाना था और इसी टेम्परमेंट के साथ आपने जीत भी जाना था 7 ओवर्स में 8 रन। उधर इंडिया टीम की जो मैं कैप्टन है मिथाली राज, उन्होंने भी कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, मैं 6ठा उनका वर्ल्ड कप है जो कि वो खेल रही है। इससे पहले भी जो रिकॉर्ड थे ये देशों के नाम ही आते थे जिसके अंदर जावेद नेदाद भी और सचिन तेंदुलकर भी, इस किस्म के जो रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते क्योंकि गोरे जो है वो तो एक तो आते बिल्कुल पक्के हैं, वो इस एज में आते हैं कि उस वक्त तक जो है वो उनकी कोई मतलब सॉलिड किस्म का मेंटल मैच्योरिटी हुई भी होती है और जाते भी इज्जत के साथ ही, हमारे ऐसे तो होता नहीं, हम तो आते भी है बचपन में 12 साल का बच्चा भी खेल रहा है 40 साल की उम्र तब उसको धक्के देकर निकाला जाता है। तो ऐसे रिकॉर्ड मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ हमारे इधर देसी रीजन्स के अंदर ही कायम रहेंगे। वैसे इस वीक एक बुरी खबर ये भी है कि जो शेन वॉन है वो हमें छोड़कर चले गए, क्या लेजेंड था ये बंदा यार, वेरी अनएक्सपेक्टेड इस एज के अंदर, और इस किस्म के एथलीट जो होते हैं नॉर्मली इस किस्म की हमें न्यूज़ नहीं मिलती, लेकिन हकीकत तो यही है कि मौत हम सबको ढूंढ रही है, हम सबको लगता है कि नहीं ये भी तो हमारी बारी नहीं है, लेकिन इसी तरह ही होता है, कभी भी किसी वक्त आ सकते, लेकिन क्या बेहतरीन लेग स्पिनर था यार, क्या जिन्होंने भी 90 से क्रिकेट खेला है उनको पता है हम कितनी गालियां दिया करते थे इस बंदे को, यार इस बंदे के किसी तरह ओवर निकाल दिए जाए। 99 के वर्ल्ड कप भी मेरे हमें सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर यही मैन ऑफ द मैच था, जो भी था मतलब वर्ल्ड कप जिताने में भी इसने बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की थी, और 99 में हम हारे थे तो हमें वैसे भी जो है ज्यादा फील होता है जितनी बेहतरीन हमारी टीम थी, फिर भी हम हार गए थे, क्या बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन थी क्रिकेट। और मैं कहीं पढ़ा था कि जब ये कॉमेंट्री कर रहा था तो पूरी दुनिया में फिर रहा होता था और वहां पर जब भी किसी लेग स्पिनर को देखता था ग्राउंड के अंदर खेलते हुए तो उसके बाद जो है वो उनके साथ जाके मैच के बाद या मैच से पहले टिप्स शेयर किया करता था कि लेग स्पिन किस तरह की जाती है। तो यार ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है कि लोग जो है वो अपना जो भी टैलेंट है वो औरों को भी पास ऑन करते हैं। इसके ऊपर हमारे जो सुनील गावस्कर साहब हैं इंडिया के, उन्होंने भी कहा कि नहीं, उनसे किसी ने पूछा कि जी क्या आपको लगता है कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट लेग स्पिनर, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुरलीधरन बहुत बड़ा लेग स्पिनर था और पता नहीं और किसी का नाम ले रहे थे अपने इंडियंस कई नाम ले रहे थे, वो कह रहे थे कि जी शेन वॉन इसलिए सबसे बड़ा लेग स्पिनर नहीं है क्योंकि इसका रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं है। तो यार यार एक तो पता नहीं यार भाई बंदा मर गया है यार, तू कह दे कि हाँ यार वो भी बहुत अच्छा था और भी बड़े बड़े अच्छे आए हैं, हर किसी की अपनी डोमेन थी, बस वो जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेंगे वही हैं, तो फिर आप भी अपना सिर्फ होम ग्राउंड छोड़ के जो है सिर्फ अवे का ही रिकॉर्ड जो है वो देख लिया करेंगे, जी आप लोगों के वही प्लेयर्स हैं जो कि अवे में जाकर करते हैं इंडियन पिचेस के ऊपर नहीं करते। यार अजीब बंदा है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और इंडियंस जो हैं वो बेहतर खेलते हैं स्पिनर्स को बाकी पूरी दुनिया से, तो उसी तरह हम प्रीटी श्योर कि शेन वॉन का जो रिकॉर्ड है वो अगेंस्ट एशियन टीम्स वो इतना बेहतर नहीं होगा जितना बाकी टीम्स के खिलाफ होगा, लेकिन ठीक है अपनी कंडीशंस होती हैं, अपना माइंड सेट होता है, आप किसी को इज्जत देंगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ेगी ही, कोई कमी नहीं होगी, और स्पेशली अगर वो इंसान जो है वो इस दुनिया में ना रहा हो। फिर इंडिया की बात हो रही है तो उधर इंडिया और श्रीलंका का भी टेस्ट मैच है जो कि हमारे साथ ही शुरू हुआ था और हमारे मेरे ख्याल में अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने रैप करके उधर साइड पे ही मार दिया कोई, एक तो पहले जो है उनको फॉलो ऑन करवाया उसके बाद उनको मार भी दिया। जडेजा से किसी ने पूछा था कि जी आपकी लाइफ की क्या अचीवमेंट है जो कि आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसने ये कहा था कि यार मैं एक इनिंग्स के अंदर 100 और 5 विकेटें लेना चाहता हूँ, वो भी बॉय ने कर लिए, मतलब कमाल हो गया। उधर ऋषभ पंत जो है मेरे ख्याल में वो 90s के अंदर आउट हो गया, बेचारा थोड़ा अनलकी रहता है, लेकिन इंडियन टीम देखे ना ये इस तरह अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाते हैं और 2-3 दिन के अंदर मैच जो है वो रैप अप करके साइड पे किया हुआ है, हम लोग जो है 5 दिन खेल रहे हैं और उसके बाद भी जो है हमारा भी रिजल्ट ही नहीं निकला। अश्विन जो है वो भी सरपास कर चुका है कपिल देव को और ये भी बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो कि उसने अचीव किया हुआ है। अनिल कुंबले को देख लें वो पता नहीं किधर बैठा हुआ है यार, ये बंदा भी जो है अपने जमाने के अंदर पता नहीं किसने कोई 900 तो टेस्ट मैचेस खेले होंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है वो हमेशा स्पिनर्स ने ही डोमिनेट किया है, इसमें बहुत बड़ी बात है एंडरसन साहब की कि वो भी कहीं इस लाइन के अंदर आ रहे होते हैं, हमारे वसीम अकार भी आ रहे हैं पेसर्स के अंदर, तो लेकिन एंडरसन का भी वैसे बहुत बड़ा जो उसके फायदा है वो ये है कि उसकी होम कंडीशंस के ऊपर सारे रिकॉर्ड है, जब बादल आता है तो एंडरसन भी जो है ना वो आंधी बन के आ जाता है। उधर कोहली ने भी जो है वो सेंचुरी मार ली है, वो सेंचुरी उसने बॉल इतनी मारी जो उसे एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसे 100 टेस्ट मैचेस पूरे कर लिए। सब लोग जो है वो अपनी दाढ़ी के नीचे पता नहीं हाथ रगड़ रहे हैं, यूं कर रहे हैं यूं कर रहे हैं, जडेजा जो है वो भी अपनी दाढ़ी के नीचे हाथ मार रहा है, कोहली भी अपनी दाढ़ी के नीचे हाथ मार रहा है, मेरा ख्याल में सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसको नहीं पता कि ये पुष्पा वाला क्या क्या चक्कर है जो
पे चल रहा है। ये मूवी मैंने अभी तक देखी नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है कि ये दाढ़ी के नीचे रगड़ना क्या होता है। मतलब तुम्हारी शादी करने ना करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये तक जो है ना जोक बनाया हुआ है पाकिस्तानी और इंडियंस ने कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी। जाओ यार, ये सब जो है ना कि अपने घर में जो तड़ियां होती है वो आके पब्लिकली बाहर भी मारना शुरू हो गए। भाई तू ना कर शादी, तेरी शादी से किसी को क्या फर्क पड़ने लगा? और पता नहीं शादी का क्रिकेट से क्या रिलेशन हो गया। इधर लाहौर के अंदर पिंडी के अंदर भी ऑडियंस करूंगा लाहौर में, तो मैं ये नहीं करूंगा यार। भाई तू ना ही कर शादी, भाई ये नस्लें ना ही बढ़ाओ तो बेहतर है। धमकियां दिए जा रहे हैं सारे लोग जो इधर की धमकियां भी जो इस तरह की खोखली होती है। शादी से शुरू होती है हमारी सारी डिबेट और शादी पे खाके खत्म हो जाती है। खैर, उम्मीद करता हूं कि जो हमारी कराची के अंदर टेस्ट मैच होंगे उसके अंदर पिच जो है वो थोड़ी सी बेहतर बन जाएगी और उसके अंदर क्राउड भी जो है वो भी आएगा, क्योंकि पिंडी के अंदर बड़ा अच्छा क्राउड आया हुआ था, लाहौर के अंदर वैसे बड़ा बेहतरीन किस्म का क्राउड आता है। तो कराची वालों से अपील है कि प्लीज़ क्रिकेट को देखने के लिए, ताकि ऑस्ट्रेलियंस को जो है वो मज़ा भी आएगा। ऑस्ट्रेलियंस फिलहाल तो इन्जॉय कर रहे हैं, जैसे कि वार्नर जो है वो ग्राउंड के अंदर ही इन्जॉयमेंट जो उसकी बाहर उमड़ उमड़ के आ रही है। तो उम्मीद है कि अगले जो टेस्ट मैचेस होंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के होंगे। मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आई होगी। ये था सूरत हाल पूरे सारे मैचेस का, चाहे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान वुमन हो या फिर पाक ऑस्ट्रेलिया हो या फिर विराट कोहली के रिकॉर्ड हो या फिर जो भी वायरल सीन चल रहा है। पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला, आपने नहीं, आपको अगर शायद नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, ये सीन जो है वो वायरल चल रहा है यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी, इसका ट्रेंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने किया होगा। तो वो जो है मूवी से उठाया हुआ है। सो ओवरऑल इसमें हमें पता चलता है कि क्या क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, क्या कौन कौन ऊपर आ रहा है, कौन कौन नीचे जा रहा है। पाकिस्तान का टेस्ट लास्ट तक चला, पिच पर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि पिच अच्छी नहीं है, डेड पिच है। आई थिंक इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं बहुत सालों बाद खेलने तो उनको मतलब एकदम परफेक्ट पिच चाहिए होती है, तो वो कॉन्ट्रोवर्सीज़ नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद आमिर ने भी इस पर आवाज़ उठाई है। ये तो मैंने भी सुना था, न्यूज़ मुझे मिली थी, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी चली थी। तो एंड शेन वॉर्न जैसे बंदे की डेथ हो गई, मतलब वो क्रिकेट का लेजेंड था, लेग स्पिन का लेजेंड था, स्पिनर्स में रेवोल्यूशन लाया था उसने। मेरे हिसाब से मुझे बहुत पसंद था, उनकी बॉलिंग पसंद थी मुझे। जब उनकी डेथ हुई तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी उनसे रिलेटेड कि यार बंदा ख़त्म हो गया। लेजेंड था वाकई में, वो इतनी ज़्यादा टर्न करा देता था बॉल को, इतनी ज़्यादा कि यार बैट्समैन भी हैरान रह जाता था और विकेट उड़ जाते थे। तो कमाल का जादू था उसके हाथों में। जडेजा की तमन्नाएं पूरी हो गई हैं, पाकिस्तान टीम सही चल रही है, पुराने मतलब जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे प्लेयर्स वो भी वापसी कर रहे हैं। बैट्समैन बहुत अच्छे हो गए हैं जैसे इन्होंने बताया, तो पाकिस्तान बॉलिंग के लिए जाना जाता था एंड अब पाकिस्तान के पास बैट्समैन भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त निकल कर आ रहे हैं और लाइनअप जो है एंड तक चला जा रहा है, 11वें खिलाड़ी तक कि बैटिंग कर सकता है कोई भी बंदा इनमें से। तो वैसा कुछ सीन होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड यस, वुमेंस की बात करें तो 10 में से 10 वर्सेस पाकिस्तान इंडिया ने जीते हुए हैं मैच वुमेन क्रिकेट में। तो वो जो सीन है हारने के बाद भी जो पिक्चर वाला सीन था वो मुझे सही लगा कि इंडियंस प्लेयर्स जो थे वो कोई बच्ची थी शायद किसी प्लेयर की थी, इन्होंने जो बताया था उसके साथ पिक्चर विक्चर ले रहे थे। तो ओवरऑल ये था सूरत हाल। आई थिंक बहुत सी चीज़ें इंप्रूवमेंट जो होने की हैं वो होनी चाहिए आगे। आई होप कि क्रिकेट की जीत होती रहे आगे आने वाले टाइम में, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो या एशिया का हो। हालांकि एशिया की टीम जीतेगी बाकियों से तो खुशी होती है, ना कि यार के कोई गोरे वोरे मतलब इधर उधर के लोग आकर ले जाएं, एशिया एशिया है अपना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जानने का मौका दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।